एसपी सिटी सोनम कुमार की अध्यक्षता में रामगढ़ताल थाने पर पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि जनपद में हर बुधवार को पुलिस चौपाल का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजपत्रित अधिकारी सुबह 11 बजे से थानों पर पहुंचकर जनता की फरियाद सुनते हैं तथा समस्याओं का निस्तारण करते हैं। रामगढ़ताल थाने पर एसपी सिटी के नेतृत्व में लगाए गए चौपाल में अधिकतर मामले भूमि विवाद, साइबर क्राइम, मारपीट से संबंधित आए, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस चौपाल में थानों के रजिस्टर को भी चेक किया गया तथा जो कमी पाई गई उसको दूर करने के लिए निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला, नौकायन चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह, फलमंडी चौकी प्रभारी एस के शर्मा सहित फरियादी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, सर एक मिनट से पैसा निकालने खाते से भी चला गया और क्रेडिट कार्ड का भी 5,000 का चार्ज है। मोबाइल नंबर 3 मोबाइल नंबर सर जबा गया सर कार्रवाई जो है ये एकदम बढ़ नहीं जा रही है क्या कुछ सफा अजीक है कपड़ा देखिए इसमें भूमि विवाद से संबंधित मामले, साइबर क्राइम और मारपीट हर तरह के मामले आए हैं इसमें और हर एक के लिए जो है इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है कि त्वरित कार्रवाई करें, नियम अनुसार कार्रवाई करें, विधिक कार्रवाई करें। सर अधिकतर मामले किस तरह के आ रहे हैं? देखिए हर तरह के ही मामले आ रहे हैं क्योंकि रामगढ़ताल क्षेत्र में आज चौपाल चल रहा है, यहाँ पे हर तरह की पॉपुलेशन है, यहाँ पे थोड़े सिटी भी हैं, यहाँ पे गाँव भी हैं, सब कुछ है यहाँ पे, तो अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के मामले आते हैं। हाँ सारे रजिस्टर चेक किए जाते हैं जब भी पुलिस चौपाल लगाया जाता है, थाने के जितने भी रजिस्टर थाने की सारी कार्रवाई किसी न किसी रजिस्टर में रहती है, तो वो सबको चेक किया जाता है और उसको अध्यावधिक करने के निर्देश दिए जाते हैं, उनको सही करने के निर्देश दिए जाते हैं। देखिए इसके लिए चौपाल में जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आ रहा है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है,
और उसके बारे में उसकी समीक्षा भी की जा रही है। इसके लिए चौपाल रजिस्टर भी बनाया गया है, चौपाल हाजिर रजिस्टर बनाया गया है। जो भी चौपाल में मामले आते हैं चौपाल रजिस्टर में लिखा जाता है और उसका जो निस्तारण है उसको चेक किया जाता है। सीओ स्तर का अधिकारी जो है और एडिशनल एसपी, इन दोनों की ये जिम्मेदारी है कि वो उस चौपाल रजिस्टर को देखें और जो भी मामले चौपाल में आए थे उनके निस्तारण हुए कि नहीं इसको ट्रैक करने की कार्रवाई करें।